हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर 16, दैट विल बी ब्रिटिश राज एंड बियॉन्ड। इन दिस लेसन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, मीन्स व्हेन इंडिया वॉज एक्सप्लोर्ड और यू कैन से डिस्कवर्ड। सो एंड नेक्स्ट थिंग इज Search of India. Who had searched India in earlier time? We saw it. After that, we saw establishment of English East India Company, and then after we saw the Battle of Plassey and the Battle of Buxar. And now, today, we are going to discuss about the Great Revolt of 1857. Yes, students. The Great Revolt of 1857, we will see. So, let's start today's class. The Great Revolt of 1857, gradually not only the Indian rulers, but the common masses also became discontented with the English East India Company. Yes, student, first of all, I want to clear the Great Revolt. What is the meaning of revolt? Beta, revolt is not the result of one day, two day, or month, 1 month, 2 month, 1 year, 2 year. It is long process. It takes lots of time. So if we talk about the revolt of 1857, this is the result of dissatisfaction of Indians. बेटा इंडिया के बहुत सारे जो वर्ग हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, वो क्या हैं, क्या थे उस समय? Dissatisfied थे। और revolt का जो main कारण बना बेटा, वो बना असंतोष। उनका जो डिससेटिस्फैक्शन है, जो उनका असंतोष है, वो जो है रिवोल्ट का मेन कारण बना। और जैसे कि बेटा मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि बॉल है जो है प्लास्टिक की, या कोई भी बॉल है, उसको आप हाथ के नीचे रख करके अगर पानी में आप प्रेशर करके नीचे दबाते जाते हैं, तो एक लिमिट तक वो बॉल आपके हाथ के नीचे रहती है। और एक लिमिट के बाद अगर आप दबाते जाते हैं, तो क्या होता है कि वो बॉल आपके हाथ के साइड से निकल करके ऊपर आ जाती है वाटर सरफेस पे। तो बेटा ठीक इसी तरीके से जो रिवोल्ट है, एक लंबी प्रक्रिया है, लंबा प्रोसेस है, लंबे समय से चलती हुई ये असंतोष की भावना है, जो कि इंडियंस के मन में तब उभरी जब बॉल को एकदम लास्ट एंड तक दबाया जा रहा था, और उसके बाद क्या हुआ कि बॉल निकल करके ऊपर आ गई सरफेस पे और बोली बस। तो ठीक वही कंडीशन बेटा इंडियंस की थी 1857 के रिवोल्ट में। मेनी क्लासेस आर देयर हु हैव डिससेटिस्फैक्शन, हु आर नॉट फीलिंग कंफर्ट इन द रेन ऑफ ब्रिटिशर्स। सो we will talk about the different classes of the society, that who are dissatisfied by the rule of Britishers. So my dear student, gradually not only the Indians rulers, but the common masses also became discontented. beta agar hum rulers ki baat kare, us samay ke shashakon ki baat kare, to sirf shashak hi dissatisfied nahi the, वहाँ के जो कॉमन पीपल थे वो लोग भी डिससेटिस्फाइड थे। डिसकंटेंट, ये जो डिससेटिस्फेक्शन था बेटा, इसने क्या किया, लेड टू द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। और इसी की वजह से बेटा जो ग्रेट रिवोल्ट हुआ 1857 का वो हुआ। सो नेक्स्ट थिंग इज डिसकंटेंट अमंग द इंडियन पीपल, वी विल सी इन दिस टॉपिक। डिसकंटेंट अमंग द इंडियन पीपल मतलब बेटा डिससेटिस्फैक्शन अमंग द इंडियन पीपल,
वी विल सी द फार्मर्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द फार्मर वी विल सी द कंडीशन ऑफ फार्मर ऑफ आवर कंट्री बेटा हम यहाँ पे जो फार्मर हैं उनकी कंडीशन को देखेंगे कि वो किन किन परेशानियों को झेल रहे थे या किन किन परेशानियों को वो फेस कर रहे थे विच टाइप ऑफ डिफिकल्टीज दे आर फेसिंग व्हेन ब्रिटिशर्स आर हियर द फार्मर्स वर ग्रेटली अप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश मतलब उनको बिल्कुल दबा के रखा जाता था किसानों को द कंपनी लेवीड हैवी टैक्सेस जो कंपनी थी बेटा किसानों पे बहुत हैवी टैक्स लगाती थी और फार्मर्स पे जो है एंड डिड नॉट गिव एनी रिलीफ और इस टैक्स के बदले किसी भी तरीके का कोई रिलीफ नहीं देती थी जब जिस समय जो है सूखे का या बाढ़ की कंडीशन होती थी जो कि फसलें नष्ट हो जाती थी उस समय में भी उनको टैक्सेस से रिलीफ नहीं मिलती थी और किसी भी तरीके की और सुविधाएं नहीं दी जाती थी जैसे इस समय दी जाती हैं सो द फार्मर्स वर फोर्स टू ग्रो कैश क्रॉप और जो फार्मर्स थे बेटा वो अपने मन से अपने हिसाब से अपने खेतों में फसलें नहीं लगा पाते थे दे आर नॉट अलाउड टू शो द क्रॉप अकॉर्डिंग टू दियर विश दे हैव टू क्रॉप दैट क्रॉप्स विच ब्रिटिशर्स आस्क्ड टू डू सो द ब्रिटिश फोर्स द फार्मर्स टू सेल द देयर क्रॉप्स एट वेरी लो प्राइसेस विच लेफ्ट देम पावर देन विच लेफ्ट देम पुअर देन एवर मतलब बेटा किसानों की जो फसलें होती थी वो कम से कम प्राइस पे वो लोग लेते थे और इस चीज़ से बेटा जो है किसान जो है लगातार गरीब होते गए तो ये एक तरीके का आप देखेंगे तो डिससेटिस्फेक्शन था इन द सेम वे वी विल सी द आर्टिसंस इनको भी बेटा जितना जो चीज़ें ये बनाते थे क्राफ्ट्समैन जो चीज़ें बनाते थे उनको उस तरीके का जो है उस लेवल का इनको पैसा नहीं मिलता था इनकी चीज़ों को बहुत सस्ते में खरीदते थे द आर्टिसंस वर ग्रेटली अफेक्टेड बाई द एक्सप्लोटेटिव इंडस्ट्रियल एंड इम्पोर्ट पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश ब्रॉड चीप रॉ मटीरियल फ्रॉम इंडिया ब्रिटिशर्स क्या करते थे बेटा यहाँ से बहुत सस्ता जो रॉ मटीरियल होता था वो अपने कंट्री को ले जाते थे और वहाँ पे वहाँ की इंडस्ट्री में वो उनसे गुड्स बनाते थे और जब फिनिश गुड्स बन करके तैयार हो जाता था तो वो ला करके यहाँ पे अपनी कंट्री में अपने कंट्री से ज़्यादा यहाँ पे पैसा वसूलते थे उसी सामान का तो बेटा दिस कॉज द ग्रेट डिसकंटेंट अमंग द आर्टिसंस एंड नाउ द इंडियन ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट जो इंडियन ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट थे बेटा वो भी इस चीज़ से बहुत परेशान थे इनके एक्सप्लोटेटिव पॉलिसी से बहुत परेशान थे वर ऑल्सो deliberately destroyed by the British imposed the heavy taxes on industrial production and export मतलब इंडिया का अगर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते थे मीन्स दे डिस्करेज द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बिजनेस ऑफ इंडिया दे डिस्करेज इट एंड दे इम्पोज हाई टैक्सेस ऑन दैट ओनली अनप्रॉफिटेबल आइटम्स ओनली अनप्रॉफिटेबल आइटम्स जिसमें बेटा बिल्कुल फ़ायदा नहीं होता था ट्रेड वर अलाउड सिर्फ उन्हीं चीज़ों का ट्रेड बस अलाउ था टू बी ट्रेडेड बाई द इंडियंस एंड द ब्रिटिश मोनोपोलाइज द इंडियन मार्केट कम्प्लीटली अगर देखा जाए तो इंडिया की पूरी मार्केट को मोनोपोली का मतलब होता है बेटा एकाधिकार मतलब पूरे यहाँ की मार्केट पे किसका एकाधिकार था ब्रिटिशर्स का व्हाट दे वांट टू डू दे कैन डू हियर सो नोबडी इज देयर टू चेक देम नेक्स्ट इज बेटा रिलीजियस कॉजेस रिलीजन इज द मेन थिंग फॉर ऑल टाइम पीरियड यू कैन सी इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग एंड द ब्रिटिश ट्राई टू कन्वर्ट पीपल ऑफ इंडिया इंटू to Christianity. This was viewed by the Indians as an insult to their religious sentiments. मतलब बेटा जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने धर्म में जो है इंडियंस को शामिल कराते थे वो कन्वर्ट करते थे और इस चीज़ से जो है जो इंडियंस हैं बेटा उनके दिल दिमाग को बहुत ही ठेस पहुँचा
दिस लेड टू अ लॉट ऑफ एंगर, और इसकी वजह से वो बहुत गुस्से में आए यहाँ के जो कॉमन लोग थे. सो नेक्स्ट थिंग इज मिलिट्री कॉजेस. बेटा इन दिस टॉपिक ब्रिटिशर्स गिव द चांस टू इंडियन एज अ सोल्जर्स, दे मेंटेन आर्मी एंड दे ट्रीटेड द इंडियन सोल्जर्स badly and they are not going to give them salary as they are giving to European soldiers, and they are not going to treat properly the Indian soldiers. So you can see here, next is in immediate cause. beta maine jo kaha ki ye dissatisfaction bahut lambe samay se chalta aa raha tha, lekin इसका जो है अगर तात्कालिक कारण देखें, तुरंत का कारण देखें, तो वो ये था कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को जो है क्या इंट्रोड्यूस कराई. विस थिंग इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स, दैट इज इनफील्ड रॉयल इनफील्ड सॉरी दैट इज इनफील्ड राइफल दैट इज इनफील्ड राइफल दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स टू इंडियन. सो व्हेन soldiers wants to load the rifle, they have to cut the seal of the cartridges, the bullets, and then after they can load the rifle. Before loading the rifle, they have to cut with their mouth. So rumor was there that the cartridges were greased by pig and cow fat. बेटा रॉयल इनफील्ड जो इनफील्ड राइफल थी, इनफील्ड राइफल जो है ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस कराया, और जो इंडिया के सैनिक थे उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों तरीके के लोग थे, और उनको जो है जो कार्टिज थी जो मतलब जो कारतूस थी राइफल में लोड करने से पहले, उनको दांत से खींच करके खोलना होता था, और उसके बाद क्या करना होता था बेटा कि तब लोड कर सकते थे. और उसके बाद अगर हम देखें तो जो सेना में जो हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के दोनों संप्रदाय के जो लोग थे इंडिया ब्रिटिशर्स आर्मी में, उन्होंने क्या किया कि रिफ्यूज़ कर दिया, वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस कार्टिजेस. बेटा जो इंडिया जो हिंदू हैं, हिंदू लोग क्या करते हैं, काऊ को एक पवित्र जो है मतलब पवित्रता की दृष्टि से देखते हैं और काऊ का रिस्पेक्ट करते हैं. और जो मुस्लिम रिलीजन है वो क्या करते हैं बेटा, वो पिग को बहुत ही गंदा जानवर मानते हैं. तो दोनों ही सोल्जर्स ने दोनों रिलीजन्स के सोल्जर्स ने उन्होंने उसको कार्टिजेस को यूज़ करने से मना कर दिया, और यहीं से रिवोल्ट जो है ये मेन और तुरंत का कारण है, लेकिन कारण बहुत सारे हैं जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को. नेक्स्ट वन बिज बेटा रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट स्प्रेड रैपिडली टू अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एंड देन टू सेंट्रल इंडिया. जो बेटा रिवोल्ट था वो बहुत तेज़ी से फैला नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया मतलब इंडिया के उत्तरी पार्ट में और सेंट्रल इंडिया में. अनफॉर्चुनेटली इट वॉज क्रश्ड बाई द ब्रिटिश, और दुर्भाग्यवश इसको ब्रिटिशर्स के द्वारा दबा दिया गया. दिस इज बिकॉज द ब्रिटिश हैड सुपीरियर वेपन्स एंड अ बिग आर्मी. ऐसा किस लिए बेटा, द ब्रिटिश हैड सुपीरियर वेपन्स, जो ब्रिटिश हैं बेटा उनके पास सुपीरियर वेपन्स थे एंड अ बिग आर्मी और एक बड़ी सेना थी. नेक्स्ट इज Moreover, many Indians also supported the British. मतलब बहुत सारे जो इंडियन थे वो ब्रिटिश आर्मी को सपोर्ट करते थे, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे. इस तरीके से अगर हम देखें तो बहादुर शाह जफर द लीडर ऑफ द रिवोल्ट, इस रिवोल्ट के जो लीडर थे बेटा बहादुर शाह जफर थे, वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जाइल्ड, उनको पकड़ा गया और उनको देश से निकाल दिया गया. अदर लीडर्स लाइक नाना साहेब एंड रानी लक्ष्मी बाई वर ऑल्सो किल्ड.
ये जो नेता थे बेटा इनको भी जो है किल कर दिया गया, मार दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। सो यू कैन सी हियर द रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग पार्ट, वेरी लिटिल पार्ट इज देयर लेफ्ट। सो माय डियर स्टूडेंट, बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।